नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ स्मरण कार्यक्रम लेके। 5 फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त करने वाले वासु चटर्जी का आज जन्मदिन है। 10 जनवरी 1930 को वासु का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। आज हम उनको याद कर रहे हैं हमारे स्मरण कार्यक्रम में। उनको SW24 चैनल की ओर से ये भावांजलि प्रस्तुत है। वासु चटर्जी भारतीय सिनेमा का वह नाम है जिनकी फिल्मों में सहज हास्य और परिवार के अंतर्द्वंद के साथ समाधान भी मिलता है। वासु फिल्म दर्शकों के दिलों पर अपनी यादगार फिल्मों के जरिए अमिट छाप छोड़ गए हैं। वासुदा प्रख्यात फिल्म निर्देशक और कहानी लेखक थे। इनकी ज्यादातर कहानियां प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर आधारित रहती थी। इनकी अंतिम फिल्म चमेली की शादी थी जो कि व्यावसायिक रूप से सफल हुई थी। वासु चटर्जी को उनके द्वारा लिखी गई कहानियों के लिए 5 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1970 और 1980 के दशक में वो मध्यम सिनेमा नाम से पहचाने जाने वाले सिनेमा काल से जुड़े हुए थे, जहां ऋषिकेश मुखर्जी और वासु भट्टाचार्य जैसे निर्माता थे। उनकी उन्होंने तीसरी कसम में सहायता भी की थी। उनकी फिल्मों की तरह वासु चटर्जी की फिल्में भी मध्यम वर्गीय परिवारों की हल्की फुल्की कहानियों के साथ अक्सर शहरी पृष्ठभूमि में होती थी। इनमें फिल्म की पटकथा और वैवाहिक प्रेम संबंधों पर आधारित रहती थी। एक रुका हुआ फैसला और कमला की मौत जैसे अपवादों के साथ जहां पटकथा सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर केंद्रित थी। वासु को 2007 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1992 में परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, 1991 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला तो 1980 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार भी हासिल हुआ। 1978 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार तो 1977 में श्रेष्ठ पटकथा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1976 में भी पटकथा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो 1975 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1972 में भी फिल्म फेयर का पटकथा पुरस्कार भी वासु चटर्जी के हिस्से में आया। वासुदा को उनकी फिल्म उस पार, छोटी सी बात, चिच्चोर, रजनीगंधा, खट्टा मीठा, चक्रव्यूह, बातों बातों में, प्रियतमा, मनपसंद, हमारी बहू अलका, शौकीन और चमेली की शादी के लिए जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेशी फिल्म एक कप चा के लिए भी पटकथा लिखी, जिसका निर्देशन नईम इम्तियाज निमुल ने किया था। वासु चटर्जी 4 जून 1920 को लंबी बीमारी के बाद हमें अपनी यादों के साथ छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो गए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का स्मरण कार्यक्रम। फिर हाजिर होते हैं एक नए हस्ती के स्मरण के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।